में बर्फबारी और पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। शदीद सर्दी से लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? मुजफ्फराबाद से सरदार रजा की रिपोर्ट। आजाद कश्मीर की बुलंद व बाला खूबसूरत चोटियों ने सर्द मौसम के आते ही बर्फबारी की चादर तान ली है, जिसके बायस इन बर्फबारी वाले इलाकों की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया है। ये खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मुल्क को तूलो अर्ज से सियाहों ने इन इलाकों का रुख कर लिया। बर्फबारी देखने के लिए हम आए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा सीन है। सर्दियों की पहली बर्फ यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आए और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बर्फबारी के इस मौसम में इन दुश्वार गुजार इलाकों के रिहायश पजीर शदीद सर्दी के बायस पहले से ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। इन अफराद को ईंधन के लिए लकड़ियाँ और जिंदा रहने के लिए खुराक का जखीरा करना जरूरी है, क्योंकि बर्फबारी के बायस ज़राए आमदोरफ्त मफलूज होकर रह जाते हैं। हमें यहाँ रहने में बहुत दुश्वारी है, काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ती हैं, ना गाड़ी को बंदोबस्त नहीं है, बसें वगैरह बंद हो जाती हैं, रास्ता बंद हो जाता है। कश्मीर के इन खूबसूरत इलाकों की जिंदगी को आसान और सियाहों के लिए ज्यादा पुरकशिश बनाने के लिए यहाँ तमाम तर सहूलियात फराहम करना जरूरी है। कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों का हुस्न बर्फबारी के बाद सियाहों के लिए यकीनन दिलकश है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ रहने वाले मकीनों की मुश्किलात कई गुना बढ़ जाती हैं। कैमरामैन एमडी मुगल के साथ सरदार रजा, एआरवाई न्यूज़, पीर चिनासी, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर।